हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं घर और किचन के लिए कुछ ऐसे छोटे से छोटे टिप और ट्रिप्स के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। टिप देखने के बाद आपकी लाइफ में भी काफ़ी काम होते आते हैं और आपके काम और आपके पैसे भी बचने वाले हैं, साथ ही साथ आपके टाइम भी। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला हैक टिप मेरा इस तरीके से अनार को लिख के है। दोस्तों, अनार छीलना हर किसी के मतलब समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस तरीके से छीलें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कोई कोई है इसको पूरा पूरा ऊपर से छिलक उतार लेता है। दोस्तों, अनार छीलना बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर पहले ऊपर वाले पार्ट को काट लेना है दोनों तरफ से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से मैंने काट लिया है और हल्के हाथ से आपको इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हल्के हाथ से मुझे इस तरीके से इसमें चार पार्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यानी कि इसका सिर्फ छिलका ही कटे। तो दोस्तों, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ इसी तरीके से अगर आप अनार छीलेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप किलो से किलो अनार छील के इसको आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं, बिल्कुल टाइम भी मेहनत भी नहीं लगने वाला है। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम अनार तो ले आते हैं, लेकिन क्या है कि अनार छीलने मुझे भी बोरियत होता है, तो मैं क्या कहती हूँ यही ट्रिक आजमाती हूँ। इस तरीके से ये चार पीस का हल्का सा कट लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा टाइटली हाथ से जब इसको प्रेस करूँगी ना, तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से ये कट जाता है, चार पीस हो जाता है। बस इसको आपको क्या करना है, चार पीस इस तरीके से कर लेना है और बस आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से ये चार पीस हो चुका है। बस इसमें से एक एक पार्ट उठाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कोई मोटा हैंडल वाला इस तरीके से मैंने लिया है, थोड़ा भारी चाकू है, बस इसको आपको ठोक लेना है इस तरीके से, टप टप कर लेना है इसके ऊपर। और आप देखेंगे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कोई गोल बर्तन लेना है जैसे बाउल, तो ये प्लेट में चारों तरफ इसके बीज इधर उधर हो रहे हैं, तो इसी तरीके से आप अनार के बीज निकाल सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से आप अनार ढेर सारे छील सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक पर ही बहुत ही काम का है। इस तरीके से आप देखेंगे ना, जरा सी देर में ढेर सारे अनार इसको छील के और आप इसको खा भी सकते हैं। दोस्तों, कुछ किसी को छीलने की वजह से अनार लेना पसंद भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ईजी और आसान तरीका बताया है। अगर आपको लगता है कि इसमें बीज अगर अनार के ख़राब है, तो इस तरीके से आप निकालने के बाद जितने भी अनार के बीज है आप इसको अच्छी तरीके से छाट भी सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिक के जरिए आप अपने काम को आसान भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो टिप है ना, हमारे बहुत ही काम आते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी होता है, समझ में भी नहीं आता है कि कोई कोई काम में हम सोचते रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बातों बातों में हमारा इस तरीके से एक अनार का मैंने बीज बहुत इजीली तरीके से निकाल लिया है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आइडिया आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मेरा ये अनार, एक अनार का बीज मैंने निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें हाथ भी नहीं लगाया है, अब बहुत इजी तरीके से अनार का ये बीज निकल चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप ढेर सारे अनार को छील के आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं। हमारे घर में बच्चे वगैरह भी मांगते हैं ना कि मम्मा मुझे अनार दे दो, तो इसी तरीके से आप इसको छील के इसका स्टोर भी लगा के रख सकते हैं, स्टॉक भी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का होगा आप सभी के। तो चलिए, अगला एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम हाउस वाइफ, किसी को समझ में नहीं आता है कि हम सल्ट का तह कैसे लगाएं। सुबह सुबह क्या होता है कि पति का ऑफिस रहता है और बच्चे का स्कूल भी रहता है, तो उस दौरान में भी हम अपने कामों को अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो ये सल्ट है ना, सबसे पहले मुझे बटन लगा लेना है और बटन लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि बीच में मुझे कोई मैगजीन वगैरह रख लेना है। मैगजीन वगैरह नहीं है तो आप कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे वीडियो में इसी तरीके से। और दोस्तों, वीडियो को फुलवा जरूर कीजिएगा। तो ये मेरे ड्राइंग का बुक है हमारे बेटे का, तो देखिए मैं बीच सेंटर में इसको रख रही हूँ। और दोस्तों, इस तरीके से मैगजीन वगैरह रखने से ये जो सल्ट का तह है ना, बहुत ईजी तरीके से ये लग भी जाता है और आपके कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता। जो सल्ट का तह भी नहीं लगा पाता है वो बहुत इजीली तरीके से लगा लेता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो सल्ट का बाजू है, मैं इसी तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद यहाँ से बराबर करते हुए, जैसे कि हम प्रेस भी करते हैं ना, तो हमें होता है ना कि तह लगा के इसको रखें, लेकिन कोई कोई है कि तह नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों, बहुत ईजी और आसान तरीका है। बस इस तरीके से जहाँ से मैगजीन है आप देख पा रहे होंगे, वहाँ से मुझे इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद अब आप देखेंगे ना कि बहुत इजी तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है तह लगाने के बाद। और मैगजीन को आप बाहर निकाल दीजिए, चलिए मैं दिखा रही हूँ। बस यहाँ से आप उठाएंगे ना, बहुत इजी तरीके से ये मैगजीन इसमें से निकल जाएगा और इस तरीके से हम अपने सल्ट के ढेर सारे तह लगा के रख सकते हैं।
तो दोस्तों है ना, छोटे से छोटे काम को आप बहुत इजी तरीके से आसान कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से, जब हम मार्केट से कोई चीज़ ले आते हैं तो आपने देखा होगा जो सब्जी वाले भैया लोग हैं, फल वाले भैया लोग हैं, इस तरीके से गांठ लगा के दे देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरीके से ले आते हैं तो इसका ये जो गांठ है ना, ये जो नोट लगा देते हैं, बहुत ही टाइटली लग जाता है, ये खुलता नहीं है। तो बस दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो पन्नी है इस तरीके से मुझे बस इसको रफ कर लेना है, बस रफ करते रहना है। अब आपको देखना है ना, बहुत इजीली तरीके से इसका ये नोट खुल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से, इस तरीके से बस प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से खुल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। बस मैंने इसको पतला सा, इसको दोनों तरफ से टाइटली कर लिया है, लिपेट लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से हमारा गांठ खुल चुका है। और दोस्तों इस तरीके से इसमें अंगूर था। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कभी फल वगैरह लाते हैं, खासतौर अंगूर, अंगूर को सबसे पहले मुझे धुल लेना है। और धुलने के बाद जो इसमें अंगूर गुच्छे लगे हुए रहते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से हमें नहीं रखना है। अंगूर को धोने के बाद इसमें से अंगूर को मुझे छांट लेना है जो ख़राब है। और छांटने के बाद आप दोस्तों देखेंगे ना कि आपके घर में कोई इस तरीके का एयर कंटेनर है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे गुच्छे इस तरीके से काट के इसमें रख देंगे। तो जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत इजीली तरीके से वो लेके इसको खा सकते हैं। और दोस्तों उनके लिए भी बहुत ही आसान है ये ट्रिक। तो देखिए इसी तरीके से आप छोटे छोटे इस तरीके से काट के रख देंगे, तो जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरीके से उसको ले भी लेंगे, उनके साथ कोई समस्या नहीं होगा। और दोस्तों समस्या तो बहुत दूर, लेकिन जब भी हम अंगूर लें इसी तरीके से आप ज़रूर रखिएगा। बस छोटे छोटे इसके गुच्छे जो है ना, इसको काट के हमें रखना है, पूरा पूरा गुच्छा नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए इसी तरीके से मैं जब भी मेरे घर में अंगूर आता है तो मैं इसको काट के ही रखती हूँ, ताकि बड़े को, बच्चे को, किसी को इस अंगूर खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से झटपट प्लेट में लेके आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरीके से एयर कंटेनर में आप अपने फल को ज़रूर स्टोक करके रखिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप दोस्तों मेरा इस तरीके से बॉटल के लेके है। तो दोस्तों इस तरीके से जो बॉटल हमारे घर में ज़्यादातर खराबी रहता है, तो हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज के बाद बॉटल को फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि हमें, हमारे घर में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाता है। और दोस्तों मैं इसमें गर्म पानी भरने वाली हूँ। तो देखिए मैं इसमें गर्म पानी पैन में करी हूँ और इसमें बॉटल में भर लेती हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने पानी को भर लिया है, और भरने के बाद अब आप देखेंगे ना कि इसका मैं कैप लगा देती हूँ। तो दोस्तों मैं आगे मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है, और इसके ऊपर मुझे मोजे को पहना लेना है। दोस्तों हमारे घर में बड़े हो या बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चों की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता। तो इस तरीके से मोजा पहनाने के बाद दोस्तों हम आगे की प्रोसेस भी बताते हैं कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों ठंड बहुत हो रही है, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है ना कि उनके बहुत ज़्यादा गर्माहट चाहिए, और क्या होता है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे पैर हो जाता है। तो इस तरीके से बॉटल में पानी भर के, और आपको करना क्या है, बच्चों को ये तले के बीच में रख देना है। तले के बीच में रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि इसको कंबल से कवर करके आप बच्चे को उठा दीजिए। और साथ ही साथ क्या है ना कि बच्चे का तो पैर गर्म होगा ही, और उनका बिस्तर जो है अच्छी तरीके से, जो बोतल की गर्माहट है अच्छी तरीके से कंबल के अंदर भी गर्माहट हो जाएगा और निवास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इस तरीके से छोटा सा तरीके पर ये बहुत ही काम का है। इस तरीके से हम कंबल को ढक देंगे तो आप देखेंगे काफ़ी गर्माहट आएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।